ये अमर रहने के नारे उन जवानों के लिए लग रही हैं जिन्होंने गहरी खाई में दम तोड़ा है। एक साथ 10 लोगों का अंतिम संस्कार हुआ है। भारतीय सेना के जवानों की नम आंखों से विदाई दी गई है। पिथौरागढ़ जिले में हुए भीषण सड़क हादसे ने एक झटके में 10 लोगों की जान ले ली और उन 10 लोगों में 2 जवान भी शामिल थे जिनका अंतिम संस्कार शुक्रवार को सरयू तट बागेश्वर में किया गया। जवानों को अंतिम सलामी देने बागेश्वर सरयू तट पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ गई। सड़क हादसे से जान गंवाने वाले 10 लोगों में से 7 लोगों का अंतिम संस्कार सरयू नदी के तट पर किया गया जिनमें 2 जवान भी शामिल थे जिन्हें की अंतिम सलामी देने सिग्नल कौर कौसानी से सेना की टुकड़ी आई हुई थी। सरयू तट पर जवानों के अंतिम संस्कार के वक्त वहां मौजूद लोगों ने रुआंसी आवाज में दोनों सैनिकों के अमर होने के नारे लगाए। वहीं सेना के अधिकारियों ने बताया कि दोनों जवान छुट्टियों में घर आए हुए थे और एक भीषण सड़क हादसे ने हमारे काबिल और बहादुर जवानों की जान ले ली जिस पर उन्होंने दुख जताया है। साथ ही वो अंतिम संस्कार में शामिल होने सरयू तट पर भी पहुंचे। मैं सूबेदार शंकर सिंह साहब जो कि टू कुमाऊँ के थे और वर्तमान में वो 13 राष्ट्रीय राफेल में पोस्टेड थे, छुट्टी में घर आए थे। और हवलदार सुरेंद्र सिंह जो कि टू कुमाऊँ के थे, नहीं 15 कुमाऊँ के थे, वो भी छुट्टी में आए थे, उन्हें सादा दी है। इसके अलावा 2 एक्स सर्विसमैन भी इसमें शहीद हुए हैं और मेरे लिए बहुत दुखी घटना है इस समय। और हमने जो है अपने जिले के 10 परिवारों को ये दुखद घटना सहनी पड़ी है, 10 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। आपको बता दें कि गुरुवार होकरा देवी मंदिर जाते वक्त शामा तेजम मोटर मार्ग पर एक बुलेरो सड़क से 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी जिस वजह से बुलेरो में सवार 10 लोगों ने दम तोड़ दिया जिसमें शामा के 7 लोग और भनार के 3 लोग शामिल थे। पहाड़ी से गहरी खाई में गिरी बुलेरो के परखच्चे उड़ गए और साथ साथ देश के 2 जवानों ने गहरी पहाड़ी में दम तोड़ दिया जिसकी वजह से पूरे बागेश्वर जिले में शोक की लहर है। सभी मृतकों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। जिस सड़क पर यह हादसा हुआ उस सड़क की बदहाली आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि खस्ता सड़क की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। साथ ही पिथौरागढ़ जिलाधिकारी ने सड़क हादसे की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। सड़क के गड्ढे सरेआम हादसों को दावत देते नजर आ रही है। फिलहाल 10 लोगों की मौत ने पूरे पहाड़ को दहला कर रख दिया है। सैनिकों के अंतिम संस्कार करते वक्त लोगों की आंखें नम हो गई। बागेश्वर से जगदीश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड तक।